सो हाय गाइस, उठ गया हूँ मैं फाइनली। ऐसा लग रहा होगा लेकिन नहीं, आज मैं बहुत पहले उठ गया था और मैंने लगभग 3 वीडियोस अपनी अपलोड कर दी हैं। मैंने कल ही बना के रख ली थी, थोड़ा एडवांस वर्क किया था रात को। और मैं अपना एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये जो लॉग मैंने क्रिएट किया ना, कि अब मैं 1-1.5-2 घंटे में फटाफट अपना काम कंप्लीट करके आज अपन निकलेंगे शाम को एक्सरसाइज करने, वॉक करने। वॉक के साथ थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह मारेंगे एंड अपनी लाइफ में वर्कआउट को अवेमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो डेडलाइन है वो 20 नहीं 19 अक्टूबर तक की है। तो 19 अक्टूबर तक एक वेरिएबल चेंज आना चाहिए बॉडी में, क्योंकि 10 किलो तो कम से कम डाउन जाना है मेरे को। तो यही फ़िलहाल के लिए प्लान है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो पूरी डाइट दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस। बाकी ब्लॉग तो हम चलते रह गए, कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं एंड आई एम प्लानिंग सम चैलेंजेस। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो ये हमारा फ़िलहाल के लिए सीन है। और मैं मतलब फ़िलहाल अभी यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द आज का ब्लॉग जो है हम शुरू कर दें। एंड आज के ब्लॉग में आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो जो यार एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियल टाइम में ना, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ सोर्सेज कि हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाएँ। तो व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर डेली लाइफ। तो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए डेली लाइफ में जो चल रहा है, हम कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, जितना हो पाता है हो जाता है, कहीं ना कहीं पर हम लैग कर जाते हैं। तो वो जो आप सपोर्ट करोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो करते रहो, मैं आपको मिलता हूँ व्लॉग। सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज हियर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और ब्लॉग। और आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे कमाल चीज़ के बारे में। और वो कमाल चीज़ ये है कि आज सबसे बड़ा भंड सीन हुआ है कि हमारे प्रशासन ने हमारी बिजली फिर से काट दी है। यानी कि आज शहर में फिर बिजली नहीं है और बिना लाइट के बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से इन्वर्टर की एक लाइट जल रही है। गर्मी में बैठा हूँ, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई पंखा नहीं चल रहा, सिर्फ वो एक बल्ब चल रहा है सामने वाला। उतने में मुझे काम करना है और किसी तरीके मैंने अपना जो इंटरनेट है वो कनेक्ट करा है, तो अभी पता नहीं कैसे होगा। आज का काम है थोड़ा सा, 3-4 वीडियोस बनानी है, वो बनाने के बाद ही कुछ हो सकता है। हालांकि आज कोई एडिट नहीं है, आज आज मैं फ्री हूँ, आई एम कीपिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम दैट। तो थोड़ा एडवांस में चलने का बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। तो गाइस, जब भी आप काम करते हो ना एज ए यूट्यूबर, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए जो मैंने अब सीखी है, वो ये है कि अपना 1-2 दिन का ना लॉग क्रिएट करके चलो। ज़रूर 1 दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं आपके एफर्ट के, लेकिन अगला जो 1 दिन है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अब जैसे मुझे सिर्फ 4 वीडियो शूट करनी है, शूट करने के बाद वो एडिट अपने आप हो जाएंगे, रेंडर अपने आप हो जाएंगे, वो डल जाएंगी सीधा। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम पर, ये वाला ब्लॉग मुझे एडिट ज़रूर करना है, पर कल तक का ब्लॉग मेरा शेड्यूल्ड है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये वाला ब्लॉग मैं डालूंगा, उससे 1 दिन वाला मैंने आज ही डाल दिया। तो मतलब आई एम वेरी मच इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन। अगर टाइम मिला तो ये वाला ब्लॉग आज ही एडिट कर देंगे, नहीं तो कल कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए सीन ये है कि हम अपना जो है शूट कंप्लीट कर रहे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद, चाहे बिना लाइट के करना पड़े क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, ये कंप्लीट करने के बाद वी विल गो एंड प्लान आउट समथिंग, क्योंकि आज मुझे वॉक करनी ही करनी है। आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर, आई एम गोना टेक यू गाइज विद मी, तो लेट्स सी वहाँ पे कितना मज़ा आता है। तो आज स्टे ट्यून्ड, आज आपको बड़ी मस्त जगह दिखाते हैं। सो गाइज, थकावट ख़त्म होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद, थकावट भरे दिन के बाद, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज हम फाइनली वॉक कर पाएंगे क्योंकि अभी बजे हैं सिर्फ 6:15। तो अगर 1 घंटा भी हम वॉक कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिकॉज मेरा प्लान है कि आज वॉक की जाए, बिकॉज वॉक इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू एटलीस्ट हेल्प मी आउट। बिकॉज अगर मैं डाइट कर रहा हूँ तो डाइट उस लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगी जिस लेवल पे अगर साथ में थोड़ा सा वर्कआउट ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी वर्कआउट शुरू करने वाला हूँ एंड फाइनली वॉक पे हम जा रहे हैं आज। पर वॉक पे भी पंगा ये है कि मैं आज बाहर नहीं जा पाऊँगा, देर इज़ सम काइंड ऑफ एन इशू इन द कार के मैं उसे लेके नहीं जा सकता। सो आई हैव टू गो टू माई छत, मतलब अपनी छत पे जाना पड़ेगा। और छत पे जाके मैं आज वॉक करने वाला हूँ एंड दिखाता हूँ आपको, आज छत का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा, और आपको दिखाएंगे कि आज का बाहर का वेदर कैसा है। आई होप अच्छा हो। मैं बाहर नहीं निकला हूँ सुबह से, मैं काम कर रहा था एंड आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो देखते हैं अभी क्या होता है ऊपर जाके, एंड आई विल जॉइन यू व्हेन आई जॉइन यू एट द वॉक, मतलब ऊपर जाके सीधा आता हूँ मैं वापस। सो गाइस, वॉक पे जाने से पहले मैं जूस पी रहा हूँ सो दैट हाइड्रेशन बना रहे बॉडी में।
देखो बॉटम्स अप। और गाइस अभी चलते हैं ऊपर, मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ कितने हुए आज के मेरे जो स्टेप्स हुए हैं फिटनेस। 1195 स्टेप्स हैं, मैं यहाँ लगा भी दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक, 1195 स्टेप्स हुए हैं और कोशिश है कि 7,500 स्टेप्स तक आज लेके जाऊँ वॉक को। तो आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, तो विल सी आज का क्या रिस्पॉन्स आता है। मिलता हूँ वॉक ख़त्म करके एंड फिर देखते हैं कुछ करते हैं अलग। तो गाइज हमने 7,000 स्टेप सोचे थे और हमने कर दिए हैं 8,000। तो देखो मैं स्क्रीनशॉट ही डाल दूंगा, इस पर क्लियर नहीं आ रहा, फोकस नहीं आ रहा। ये देखो शायद आ जाए, जी हाँ, इट्स 8,433 एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रेस। हम अब कल का जो टारगेट है वो रखेंगे 10,000 स्टेप्स का, वो हमें पूरे करना है पूरे दिन में। एंड वेट कम करते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गया एंड आज थोड़ा सा मेरा मूड भी डाउन है। And we'll see to it कि हम कल क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई stay tuned, keep watching। ठीक है यार, initial vlogs हैं, इतना कुछ ज़्यादा creative नहीं दिखा पा रहा अपने vlog में, but हाँ हो जाएगा धीरे धीरे। हम healthy जा रहे हैं इस time पे, तो ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रहे हैं तो आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे। तो कल कुछ देखता हूँ, we'll plan out something, we'll go out somewhere for the walk। तो आपको एक बड़ी मस्ती जगह दिखाऊँगा कल के vlog में। Stay tuned, keep watching। और बाकी के चैनल्स पे जाके रिस्पॉन्ड जरूर करना, रिएक्शन बाय आरजी पे रिस्पॉन्ड करो, अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है चैनल, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर। और आरजी हेयर पे भी इस टाइम पे बहुत अच्छा रूटीन जा रहा है। तो गाइस सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो वीडियोज़ को। इसी तरीके का पोस्ट चाहिए जो आपने अभी दे रखा है यूट्यूब पे। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। अगर कोई बात करना चाहे तो इंस्टाग्राम है, मैसेज में।